तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 22 भी कर रहे थे, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है, हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर हमारे किसकी तरह आया है, क्वेश्चन नंबर 10th की तरह आया है, क्वेश्चन नंबर 10th की तरह है। कैसे कि इसमें भी बोल रहा है कि इफ़ टेन ए प्लस कोट ए इक्वल्स टू 5, तो देन आपको फाइंड करना है टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, टेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो कितना आएगा, टेन ए प्लस कोट ए इक्वल्स टू 5। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया हमने, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये इक्वल्स टू में 25। यहाँ पर अगर इसे हम करेंगे अब तो ये कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए और ये कोट क्या हो जाएगा, 1/10a इक्वल्स टू 25। ये टेन ए से टेन ए कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना, 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 25 माइनस 2 तो टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा यहाँ पर 23। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें आपको गिवन किया है, क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन किया है 4 sin θ इज इक्वल्स टू 3 cos θ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या गिवन किया है कि गिवन है हमारे पास क्या, 4 sin θ इक्वल्स टू 3 cos θ, ये गिवन है। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन है तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, देखो कोस को इधर लेके आ सकते हैं और 4 को इधर, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको क्या, फर्स्ट करना है साइन थीटा, सेकंड करना है आपको कोस थीटा, फिर आपको फाइंड क्या करना है थर्ड में फाइंड करना है कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और फिर फोर्थ में फाइंड करना है आपको 4 cos² θ माइनस 3 sin² θ और प्लस 2, ये फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पर अब हम फाइंड करेंगे इन वैल्यूज़ को, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं अगर हम, तो सॉल्यूशन कहता है यहाँ पर कि अगर आपके पास 4 sin θ है इजिकल्स टू 3 cos θ है, तो आप क्या कर लो यहाँ पर, ये जो आपके रेशोस दिए हैं साइन और कोस इसको एक साथ ले लो, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा कोस थीटा। और आपको एक और याद रखना है यहाँ पर, एक आइडेंटिटी याद रखनी है कि टेन थीटा ऑलवेज इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो जब कभी भी साइन थीटा आए हमारे पास तो उसको आपको यूज़ कर लेना है टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा इजिकल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो टेन थीटा हमारा ऑल्सो इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, ये याद रखना है आपको। ऐसे ही कोट थीटा हमारा इक्वल होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दो तो कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया टेन थीटा। अब टेन थीटा, टेन में ये वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये वैल्यू होती है बेस। तो अब दोनों में हम लेट करेंगे, लेट परपेंडिकुलर इजिकल्स टू 3x एंड बेस इक्वल्स टू 4x। अब इसका हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, परपेंडिकुलर कितना 3x इसका स्क्वायर कर लेंगे, बेस कितना 4x इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 9x² प्लस 16x², तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 16 25x², तो हाइपोटेनस इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट में 25x², और हाइपोटेनस हो गया हमारा किसके इक्वल, 5x के इक्वल। अब हमारे पास ये सभी वैल्यू आ गई हैं, तो अब इसकी हेल्प से आप सभी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे हमें फर्स्ट में फाइंड करना है
साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है, तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने क्या लेट की है, 3x लेट की है, तो हम इसमें 3x ले लेंगे और हाइपोटेनस 5x लिया है तो 5x ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 3/5। फिर कोस फाइंड करना है आपको, कोस थीटा, तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, 4x ले लेनी है और हाइपोटेनस 5x ले लेना है, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। ये हो गए हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट, करते हैं थर्ड पार्ट। देखो अगर इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं तो थर्ड पार्ट क्या हो जाता है, थर्ड पार्ट में दिया है आपको कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको फाइंड करना है, तो कोट की वैल्यू होती है बेस अपॉन, बेस अपॉन कितना होता है हाइपोटेनस, तो बेस कितना लेना है आपको, बेस लेना है 4x, तो यहाँ 4x अपॉन हाइपोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर लेना है तो परपेंडिकुलर लेना है 3x, इसका कर देना है स्क्वायर, माइनस कोसेक होता है हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन, हाइपोटेनस लेना है 5x, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लेना है 3x, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये x x कैंसिल हो जाएगा, ये 16/9 हो जाएगा और ये 25/9 हो जाएगा। इनको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 एलसीएम और ये -9 और ये आंसर आ गया -1, तो ये -1 आ जाएगा। फोर्थ वाला पार्ट करते हैं, फोर्थ वाले पार्ट में है फोर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin² थीटा प्लस 2, ये करना है आपको, तो इसका करेंगे तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो फोर कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस स्क्वायर थीटा कहता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 4x है और हाइपोटेनस है 5x, इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 3 sin θ क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा +2। अब इसको सोल्व करें तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 16/25 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 × 9/25 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 64/25, ये हो जाएगा 27/25 और ये हो जाएगा 2/1। एलसीएम लेंगे 25 एलसीएम, तो ये 64 हो जाएगा, ये 27 और ये हो जाएगा 25 × 50। अब इनको सोल्व कर लेंगे, अब जैसे ये दोनों वैल्यू प्लस हैं तो इनको प्लस कर सकते हो या फिर इन दोनों को पहले माइनस कर सकते हो, इन दोनों को माइनस करोगे तो मिलेगा आपको 7 और यहाँ पर 37 ये प्लस 50 ये अपॉन डिवाइड में 25, तो ये हो गया हमारे पास, तो अगर हम इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 87/25 आ जाएगा, और अगर हम इसे 25 से डिवाइड करें तो 3 और कितना 75 में कितना ऐड करेंगे कि 87 आ जाए, 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाता है हमारा फोर्थ पार्ट, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन किया है आपको, क्या गिवन है 17 cos θ = 15 और आप यहां पर फाइंड कर सकते हो अब इस कोस थीटा की वैल्यू को, कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15/17 हो जाएगा और कोस इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के, तो यहां पर अगर हमने लेट किया है बेस को 15x और परपेंडिकुलर को और हाइपोटेनस को 17x, तो हमें क्या करना है परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस 17 है, 17x का स्क्वायर कर देंगे इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है फाइंड करना है हमें, बेस कितना है 15x है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 17x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289x स्क्वायर और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225x स्क्वायर, 225 यहाँ पर माइनस करेंगे 289 से तो कितना मिलेगा हमें 225x स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 4 और यहाँ पर 6x स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, तो ये कितना मिल जाएगा हमें अंडर रूट 64
एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8x, तो p की वैल्यू हो गई 8x। अब आपको p की वैल्यू मिल गई है, अब आपको जो फाइंड करना है आप उसको फाइंड कर सकते हो। जैसे अब हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं 10x, फाइंड क्या फाइंड करना है, टेन थीटा प्लस 2 sec थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, तो परपेंडिकुलर कितना 8x और बेस कितना 15x, प्लस 2 sec थीटा कितना होता है, हाइपोटेनस 17x डिवाइड बाय बेस कितना, बेस है हमारे पास 15x, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा कितना 18/15 प्लस 34/15, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा और यहाँ पर 8 और 34 हो जाएगा। 8 और 34 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 8 और 34 प्लस करोगे तो कितना आएगा 42 आएगा, 42/15 हो जाएगा। 3 से कैंसिल करोगे तो 3 1 3, 3 4 12 और 3 5 15, तो ये हो गया। या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप क्या लिख सकते हो, 5 2 10, 4 डिवाइड बाय 5। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या गिवन किया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन किया है हमें 5 cos A माइनस 12 sin A इक्वल्स टू 0, इसको दिया है। और आपको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है साइन ए प्लस कोस ए और डिवाइड बाय 2 cos A माइनस साइन ए। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो सॉल्यूशन में हम कर सकते हैं 5 cos A माइनस 12 sin A इक्वल्स टू 0। ये 12 sin में इधर आएगा तो ये कोस ए इक्वल्स टू 12 sin A हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए और ये हो जाएगा 12/5। तो ये कोस अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा। और कोट क्या होता है, कोट क्या होता है हमारे पास, देखो इसको भी मैंने बताया था आपको, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, और साइन अपॉन कोस होता है टेन। तो कोस अपॉन साइन को हमने लिखा कोट, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस की वैल्यू को अगर हमने लेट किया है कितना 12x और परपेंडिकुलर की वैल्यू को हमने लेट किया है 5x, तो हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर 5x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, कितना आ जाएगा हाइपोटेनस 25x स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे अब हम, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169x स्क्वायर, इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13x। तो ये हाइपोटेनस आ गया। अब हम फाइंड कर लेंगे जो आपको फाइंड करना है, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे साइन ए प्लस कोस ए डिवाइड बाय 2 cos A माइनस साइन ए, यहाँ पर फाइंड करेंगे हम इसमें। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमने क्या लेट किया है 5x और हाइपोटेनस कितना है 13x, ये हो गया। प्लस कोस क्या होता है, बेस अपॉन, तो बेस 12x है और हाइपोटेनस 13x है क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर भी हम ये वैल्यू रख लेंगे, ये कोस की वैल्यू और ये साइन की वैल्यू। अब यहाँ पर इसको एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 13 एलसीएम हो जाएगा और 5 + 12 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा, ये 12 2 24 हो जाएगा और एलसीएम 13 हो जाएगा और ये 5 रहेगा। ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 12 और 5 17 आ जाएगा और यहाँ पर 24 हो जाएगा 19। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस टाइप से दिया है कि फिगर में आपको एंगल सीन पर 90 है, डी इज मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, फाइंड टेन ऑफ एंगल सी ए बी, सी ए बी ये वाला एंगल एंड सी डी बी ये वाला एंगल, एंड टेन ऑफ एंगल ए बी सी,
ए बी सी ये वाला एंगल एंड डी बी सी ये वाला एंगल, इन दोनों का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 15 का अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप से फिगर दिया है। ये यहाँ पर ये बी दिया है आपको, ये यहाँ पर डी मिड पॉइंट, और यहाँ पर ये ए, और यहाँ पर ये सी। यहाँ पर करेंगे अगर हम इसको, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है आपको क्या, फाइंड फर्स्ट करना है आपको टेन एंगल सी ए बी डिवाइड बाय टेन एंगल सी डी बी, और कोई भी वैल्यू गिवन नहीं की है हमें। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो टेन एंगल सी ए बी ये वाला अगर हम क्या देखें, ट्रायंगल देखें, कौन सा सी ए बी बड़ा वाला ट्रायंगल देखें, तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए टेन क्या होता है, टेन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे, यहाँ पर भी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे कैसे, परपेंडिकुलर कितना लेंगे इस वाले एंगल के लिए, परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर बी सी डिवाइड में, बेस होगा ए सी डिवाइड, फिर पी परपेंडिकुलर फिर किस वाले एंगल के लिए, सी डी बी के लिए, सी डी बी के लिए परपेंडिकुलर होगी ये बी सी साइड, और यहाँ पर ये साइड क्या होगी, डी सी हो जाएगी। अब क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर देखो बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, जैसे इसको यहाँ पर लेके आओगे मल्टीप्लाई में, और ये सबसे ऊपर जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा आपका बी सी इंटू डी सी और बी ए सी इंटू बी सी, इस टाइप से हो जाएगा, बी सी से बी सी कैंसिल। अब ए सी को क्या लिख सकते हो आप, ए सी को लिख सकते हो डबल ओ बी सी या डी सी डबल ओ बी सी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना 1/2, क्योंकि इसको डबल ऑफ डी सी क्यों लिखा है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, तो डबल ऑफ डी सी करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए सी मिलेगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसको, ए सी को क्या लिख सकते हैं हम, ए सी को कंप्लीट ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट ए सी को क्या लिख सकते हैं, डबल ऑफ डी सी, डी सी का डबल, डी सी का डबल ही तो है ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर इसका सेकेंड पार्ट है क्या है, यहाँ पर बोल रहा है टेन ए टेन एंगल ए बी सी डिवाइड बाय टेन एंगल बी डी बी सी, ये फाइंड करना है, कर लेंगे इसको फाइंड हम। इसको फाइंड करने के लिए भी ऐसे ही करेंगे हम, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे ए बी सी में, ए बी सी में इस ट्रायंगल में देखेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी में, तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, परपेंडिकुलर होगा ए सी और बेस होगा बी सी, और डी बी सी के लिए डी बी सी इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस होगा वो परपेंडिकुलर होगा डी सी और बेस होगा बी सी, बिल्कुल इसी की तरह है ये। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी सी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी इंटू बी सी और ये हो जाएगा बी सी इंटू डी सी, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ए सी को फिर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को हम फिर हम डबल ऑफ डी सी लिख सकते हैं, तो ए सी को हम फिर क्या लिखेंगे, डबल ओ डी सी, क्योंकि डी सी का अगर आप डबल कर देते हो तो ए सी मिलेगा, तो यहाँ पर डी सी का डबल और यहाँ पर कितना हो जाएगा डी सी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2/1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन किया है आपको इफ 3 cos A इक्वल्स टू 4 sin A, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट में आपको क्या फाइंड करना है कोस ए, और सेकंड पार्ट में आपको फाइंड क्या करना है 3 cot² A और प्लस cosec² A, ये करना है। तो करते हैं इसको सोल्व, तो सॉल्यूशन में अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 cos A इक्वल्स टू 4 sin A, साइन इधर आएगा तो कोस ए अपॉन साइन ए डिवाइड में हो जाएगा इक्वल्स टू 4/3 हो जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कोट ए हो जाएगा, और कोट इक्वल्स टू क्या होता है, कोट इक्वल्स टू क्या होता है बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, याद करो आपको हमने सिखाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर ये साइन कोस टेन होता है, ये कोट होता है, ये कोट होता है, ये सेक होता है, और ये को सेक होता है। तो यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे हम, लेट बेस इजिकल्स टू 4x एंड परपेंडिकुलर इजिकल्स टू 3x। तो फिर यहाँ पर हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे, हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 3x, 3x का स्क्वायर कर लेंगे, बेस कितना है 4x, 4x का स्क्वायर कर लेंगे, फिर ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये आ जाएगा 5x। ये आ गई आपको 5x इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है कोस ए, कोस ए फाइंड करना है। तो कोस ए क्या हो जाएगा, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस लेट किया हमने 4x और हाइपोटेनस 5x, तो ये वैल्यू आ गई 4/5। सेकेंड आपको फाइंड करनी है क्या वैल्यू, 3 माइनस कोट स्क्वायर ए और प्लस कोसेक स्क्वायर ए। देखो 3 माइनस कोट स्क्वायर वैल्यू कितनी, यही दी है 4/3 आएगी, 4/3 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोसेक क्या होगा, कोसेक होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3x, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर 3 माइनस ये 4/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 16/9, और यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/9। एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, एलसीएम लेंगे यहाँ पर 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3×9=27 माइनस ये 16 रहेगा और ये प्लस 25। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस करते हो आप इसमें से कितना हो जाता है 1 और 1 11 और ये प्लस 25/9। इसको करोगे आप कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 36/9 और 9×4=36। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 हो जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, इसमें बोल रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी पर 90 है ये। अगर आपने ये इस टाइप से एबीसी एंगल बनाया है ट्रायंगल, तो ये क्या है एबीसी है हमारे पास, बी पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। एंड टेन ए, टेन ए की वैल्यू आपको दी है यहाँ पर, टेन ए की वैल्यू दी है आपको कितनी 0.75। आप ए एंगल इधर भी ले सकते हो, अगर आप ए एंगल इधर लेना चाह रहे हो तो इधर ले सकते हो, इधर सी ले लो आप और ये वाला एंगल ले लो आप टेन ए। टेन ए की वैल्यू दी है इसने 0.75। ए सी की वैल्यू दी है इसने कितनी 30 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दी है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी, बी सी, बी सी एंड ए सी की वैल्यू बतानी है। तो इफ आपको गिवन किया है टेन ए, टेन ए गिवन किया है 0.75, जिसमें से आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 हो जाएगा, 25 से इसको कैंसिल कर सकते हो, 25×3=75 और 25×4=। अब यहाँ पर ये कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो अगर आप इसमें लेट कर रहे हो, लेट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पर क्या होगा, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी होगा, तो बी सी को कितना लेट कर रहे हो, तो यहाँ पर कितना लेट कर रहे हो आप 3x, और बेस ए बी होगा और ए बी को कितना लेट कर रहे हैं 4x लेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाइपोटेनस कितनी है हमारी, हाइपोटेनस ए सी है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है हमारा और ये बेस है। तो हाइपोटेनस कितना है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी सी के स्क्वायर के और बेस 4x के स्क्वायर के। इसको करेंगे तो हम ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x, इनको तो बहुत बार कर चुके हैं हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, कितना हो गया 25x स्क्वायर हो गया, और ये कितना आ जाएगा ए सी, कितना आ जाएगा ए सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5x, ए सी की वैल्यू 5x आ गई, और ए सी आपको 30 भी दिया है, ए सी आपको 30 भी दिया है, तो 30=5x और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, x की वैल्यू 6×5=30, तो x की वैल्यू 6 आ गई है, x की वैल्यू अगर 6 आ गई तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हमारा 3x, तो 3×6 कितना 18 सेंटीमीटर। फिर ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा, ए बी है 4x
तो फोर एक्स ए बी हमारा 4x है, हमने ए बी को कितना लेट किया था, 4x लेट किया था, तो 4 × 6 कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन रोम्बस ए बी सी डी डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए। एक रोम्बस गिवन किया है आपको जिसमें इनके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर। इफ कोसाइन ऑफ एंगल सी ए बी, सी ए बी कोसाइन ऑफ एंगल सी ए बी, कोसाइन का मतलब होता है कोस, कोस ऑफ एंगल सी ए बी गिवन किया है आपको 0.6 एंड ओ बी इक्वल्स टू, एंड ओ बी, ओ बी इक्वल्स टू दिया है आपको 8 सेंटीमीटर। ओ बी कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पर लेंथ, यहाँ पर आपको फाइंड करना है यहाँ पर क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। तो साइड फाइंड करनी है और डायगोनल्स के रोम्बस फाइंड करने हैं। तो इफ हमें क्या दिया है, कोस साइन, कोस साइन का मतलब कोस, कोस ऑफ एंगल सी ए बी, सी ए बी दिया है, तो सी ए बी क्या कितना दिया है, 0.6 दिया है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, तो कोस ऑफ एंगल सी ए बी कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। तो कोस की वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, यहाँ पर हाइपोटेनस ये वाली साइड होगी, ये वाली साइड बेस होगी और ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे, तो हमने लेट कर लिया है यहाँ पर, लेट लेट बेस इज इक्वल्स टू 3x एंड हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 5x। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना जाएगा, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस 5x है, 5x का स्क्वायर कर देंगे, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस 3x है, 3x का स्क्वायर कर देंगे, 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर आएगा, 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये करोगे माइनस तो 16x स्क्वायर आ जाएगा और ये पी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस अंडर रूट में कितना, 16x स्क्वायर इक्वल्स टू पी, और ये कितना जाएगा, 4x इक्वल्स टू पी। तो पी की वैल्यू 4x आ गई है, और पी हमारा कितना भी है, पी हमारा 8 भी गिवन किया है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8/4 इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई है, तो हमारी जिसको हमने क्या लेट किया था, बेस लेट किया था, बेस किसको लेट किया था हमने, ए ओ को, ए ओ को हमने कितना लेट किया था, बेस, और बेस कितना है 3x, और 3x कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, और ए बी कितना हो जाएगा हमारा, ए बी, ए बी हमने किसको लेट किया था, हाइपोटेनस को, हाइपोटेनस हमारी लेट की थी कितनी, 5x, ये जाएगा 5 × 2 = 10, ये हो जाएगा। तो ये ए बी की वैल्यू होगी, मीन्स साइड हो गई 10, और ए ओ की वैल्यू हो गई 6। तो डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, डायगोनल, डायगोनल ए सी कितना हो जाएगा, डबल ऑफ ए ओ मीन्स डबल ऑफ 6 मीन्स 12, डायगोनल हो जाएगा 12, एंड डायगोनल, डायगोनल बी ओ कितना, ओ बी डी कितना हो जाएगा, डबल ओ बी ओ होगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 8 = 16 सेंटीमीटर। तो ये डायगोनल्स हो गए और ये साइड हो गई, तो यहाँ पर साइड कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ऐसा है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में किया था 20A के, जैसे ये वाला है 6th वाला, तो इसी की तरह ही बिल्कुल सेम करना है आपको। इसमें भी आपको इसी टाइप से दिया है कि एक ट्रायंगल दिया है ABC जिसमें AB और AC दिया है आपको, ABC है जिसमें AB और AC दिया है आपको इक्वल, AB और AC आपको इक्वल दिया है 15 और 15, एंड BC आपको दिया है 18 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम आपका कौन से वाले डायमेंशन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे डायमेंशन दिए हैं, AB और AC 15 एंड डायगोनल BC 18, एंड
बी सी 18 फाइंड कोस एंगल बी। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो आइस सरेस्ट एंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन भी होता है, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसका मीन्स ये 9 हो जाएगा। तो अगर आपको क्या फाइंड करना है, कोस बी फाइंड करना है, तो कोस बी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पर, तो इन इन दोनों में से कोई से भी एक ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए इसको डी मान लेते हैं, ए डी बी इसको डी मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये 9 9 हो जाएंगे। इन ट्रायंगल ए डी बी में देखेंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर कितना होगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ए डी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के, तो ए बी कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ए डी कितना हो जाएगा फाइंड करना है, बी डी कितना हो जाएगा 9 9 का स्क्वायर, तो ये 225 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये ए डी स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81, तो 225 माइनस 81 करेंगे तो ये ए डी स्क्वायर हो जाएगा, 81 माइनस करेंगे तो यहाँ 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 और ये 1 और ये ए डी, तो ए डी स्क्वायर रूट हो जाएगा, 12 हो जाएगी ए डी की वैल्यू, ए डी की वैल्यू 12 हो गई। अब आपको जो फाइंड करना है यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, जैसे आपको फर्स्ट में फाइंड करना है कोस बी, तो कोस बी फाइंड करोगे आप, तो ये वाला ट्राइंगल लोगे, तो इस ट्राइंगल में बेस कितना है 9 है और हाइपोटेनस कितनी है 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 3 5 15। फिर सेकंड वाले में साइन सी है, साइन सी में ये वाला ट्राइंगल लेंगे लेकिन डायमेंशन सभी सेम ही है, तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो ए डी की वैल्यू होगी, ए डी की वैल्यू हमने 12 फाइंड की है और हाइपोटेनस 15, 3 से कैंसिल करेंगे 3 4 12 3 5 15। ओके, फिर हम थर्ड पार्ट करेंगे इसका, थर्ड पार्ट करेंगे तो 10 स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर बी प्लस 2 ये करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 10 स्क्वायर बी क्या होगा, 10 स्क्वायर बी अगर हम लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर ए डी है और ए डी की वैल्यू 12 है और बेस की वैल्यू 9 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस सेक बी, सेक बी की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनस 15 और बेस कितना 9, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है प्लस 2 कर देंगे, यहाँ करेंगे तो ये 144 हो जाएगा अपॉन 9 माइनस ये हो जाएगा 225 डिवाइड बाय 9 और ये प्लस 2, एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा 144 माइनस 225 प्लस 9 2 18 हो जाएगा, 18 इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 4 12 1 कैरी 5 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और ये 1 माइनस 225 डिवाइड बाय 9, अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 3 और 12 में से 6 6 और 12 में से 6 6 1 में से 1 1, तो ये आ जाएगा 63 अपॉन 9 या फिर इसको कह सकते हो आप 9 7 63, तो ये आ जाएगा 7। तो यहाँ पर 19 वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है और इसमें हमारी वैल्यू आ रही है, तो फर्स्ट वाला पार्ट आ रहा है 3 अपॉन 5 फर्स्ट वाला पार्ट आ रहा है आपका, सेकंड वाला पार्ट आ रहा है 4 अपॉन 5 और थर्ड वाला पार्ट आ रहा है आपका। तो यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, यहाँ पर करेंगे तो 81 आएगा ये, और यहाँ पर करेंगे 1, तो यहाँ 81 2 अगर हम करते हैं, 81 2 अगर हम करते हैं, यहाँ पर कितना आता, 162 आएगा, 162 तो 162 आता है यहाँ पर, और यहाँ पर 162 आता, तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करते तो कितना हो जाता, ये आता 6 और 6 और 4 10 0 1 कैरी 2 और 1 3 माइनस 225 डिवाइड बाय 81, तो ये 81 आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 10 में से 2 8 आ रहा है और 81 अपॉन 81 ये डिवाइड कर दोगे तो 1, तो यहाँ आ रहा है 1 आंसर, तो थर्ड वाले पार्ट का आंसर 1 आ रहा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी सी में ए डी परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर, ए इन ट्राइंगल ए बी सी में ए डी परपेंडिकुलर है किस पर, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर,
साइन बी, साइन बी की एवन किया है आपको 0.8। बी डी की वैल्यू कितनी दी है इसने, बी डी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दी है, बी डी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दी है। एंड टेन सी की वैल्यू दी है 1। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी फाइंड करना है आपको, ए डी फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है एंड डी सी फाइंड करना है। तो करते हैं इसको हम सॉल्यूशन में। तो अगर आपको हमें दिया है यहाँ पर साइन बी, साइन बी गिवन किया है, तो साइन बी है 0.8, साइन बी 0.8 है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो साइन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन बी की वैल्यू जाएगी 2 4 8, 2 5 10। तो ये 4/5 आ गई। तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर लेट कर लेंगे, 4x लेट परपेंडिकुलर इजिकल्स टू 4x एंड हाइपोटेनस इजिकल्स टू 5x। हाइपोटेनस कितना लेट करेंगे, 5x लेट करेंगे। तो अब इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको तो हमने बहुत बार कर लिया है, यहाँ पर इसका आंसर 3 आने वाला है। हाइपोटेनस 5x है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, परपेंडिकुलर कितना है 4x है, इसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर हो जाएगा, 14x का 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, इधर आकर माइनस में 16x स्क्वायर हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो बेस की वैल्यू 3x हो जाएगी। तो बेस की वैल्यू 3x हो जाएगी और बेस हमें कितना भी दिया है, यहाँ पर बेस हमें 9 भी दिया है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/3 मीन्स 3, ये बेस की वैल्यू हो गई। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हमारा हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस को हमने 5x लिया किया है, तो 5x या फिर 5 × 3 = 15। और फिर ए डी कितना हो जाएगा, ए डी हमने परपेंडिकुलर लेट किया है और वो कितना किया, 4x लेट, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये 15 हो गया और ये 12 हो गया। अब हम इन ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी, ए डी एंड सी देखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी देखेंगे। ए डी सी में आपको गिवन किया है, ए डी सी में आपको गिवन किया है टेन सी, टेन सी की वैल्यू 1 गिवन की है इसने, टेन सी की वैल्यू कितनी गिवन की है, 1। अब इसे 1/1 ले लेंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो टेन सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो ये इन दोनों को लैड कर लेंगे, कितना लैड करेंगे इसको, 1x किसको, परपेंडिकुलर मीन्स ए डी को, और सी डी को कितना लेट करेंगे हम, 1x लेट करेंगे। तो यहाँ पर ए सी के निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ए सी का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आएगा। हाइपोटेनस ए सी है, ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आएगा, ए सी का स्क्वायर आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है, ए डी है, तो ए डी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा प्लस बेस सी डी, सी डी कितना है, एक्स स्क्वायर है। 1x स्क्वायर कर दो या एक्स स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ ए सी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, उस पर रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगी एक्स रूट 2 वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर ए डी है, ए डी की वैल्यू एक्स है, और ए डी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 12 है। तो ए डी अगर 12 है तो हमारा बी सी डी भी 12 होगा, सी डी 12 होगा, तो ए सी कितना होगा, एक्स रूट 12 है, तो ये होगा 12√2। तो ये वैल्यूज हो जाएंगी हमारी किसकी, ए बी ए डी सी डी एंड ए सी की वैल्यू। तो ये हो जाता है हमारे कंप्लीट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होती, अभी क्वेश्चन आगे भी हैं इसमें। तो यहाँ पर अभी अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे करेंगे हम इसमें एक्सरसाइज। तो तब तक के लिए थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।